तो आज मैंने बनाई है ये लाजवाब आलू प्याज शिमला मिर्च टमाटर की सब्जी। ये एकदम फटाफट से बन जाती है और ये मेरी फेवरेट सब्जी है सुबह के लिए, क्योंकि एकदम फटाफट से बन जाती है, चाहे आपको टिफिन में देना हो या ब्रेकफास्ट में, चाहे आप कितने भी लेट उठे हो। ये सब्जी बनने में मुश्किल से 15 मिनट ही लगते हैं और ये बहुत ही ज्यादा डिलिशियस बन करके आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा जैसे ही स्प्लैटर हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे आलू। तो आलूओं को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब मैं सुबह सब्जी बनाती हूँ तो आज तो मैंने, क्योंकि मुझे शूट करना है तो पहले से ही सब कुछ काट के रखा हुआ है, बट जब मैं सुबह सब्जी बनाती हूँ ना तो पहले आलू काट लेती हूँ और इसमें डाल दिया। अब ये फ्राई होंगे उतनी देर में मैं शिमला मिर्च और प्याज काटती हूँ और फिर उसके बाद सबसे एंड में मेरा टमाटर वमाटर वाला काम होता है। तो इसी तरीके से मतलब मैं बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस समय फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखेंगे हम और आलूओं को हल्का सा, मतलब ना इनके ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाए, एक परत सी आ जाए, क्रंची सी हो जाए, उतने हमें इसको पकाना है। इस समय हम ढकेंगे नहीं इसको, फ्लेम पूरे टाइम हाई पे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे आलू बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया ब्राउन कोटिंग आ गई है। फ्लेम पूरे टाइम मैंने हाई पे रखा था इसलिए ये जो ब्राउन कोटिंग है वो बहुत ही जल्दी आ जाती है और आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने दोस्तों शुरुआत में ही बोला था कि ये मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू प्याज की सब्ज़ी, तो इसको मैं तड़के की तरह नहीं डाल रही हूँ, एज अ सब्ज़ी ही डाल रही हूँ। इस तरीके से बनाइएगा, बहुत बढ़िया लगेगी। आप प्याज को इस तरीके से काटना है जैसे हम चिली पनीर के लिए नहीं काटते, बिल्कुल इसी तरीके क्यूब्स में, और साथ में ही शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। तो ये हमारी शिमला मिर्च हो गई, हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हमने मसाले कोई नहीं डाले, केवल और केवल जीरा डाला है। मतलब अभी अगर आप मसाले डाल दोगे ना तो अभी ही नमक वमक की वजह से आपकी जो सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसमें क्रंच नहीं रहेगा, बाइट नहीं रहेगी। तो जब आप इस तरीके से बनाओगे तो ये जो आपकी सब्ज़ी है ना इसमें एक क्रंच भी रहेगा, बाइट रहेगी और ये आपकी नॉर्मल सब्ज़ी जैसी नहीं लगेगी, जैसे शिमला मिर्च आलू प्याज की जो आप सब्ज़ी बनाते होगे ये उस तरीके की नहीं लगेगी, बिल्कुल अलग लगेगी, डिफरेंट लगेगी। और इसे आप मतलब ना केवल अपने नॉर्मल डेली रूटीन में, आप एज अ जब कोई अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है तो उसके सामने भी आप ये बना करके रख सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च और प्याज भी हल्की हल्की हो गई है, आप देख सकते हैं इन पे हल्के हल्के स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। तो बस यही स्टेज चाहिए, इससे ज़्यादा ब्राउन अभी हमें नहीं करना है क्योंकि अभी ये और भी पकेंगी, मसालों के साथ भी पकेंगी। तो अगर आप अभी से ही शिमला मिर्च और प्याज को पूरा पका लेंगे या ब्राउन कर लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल वही ट्रेडिशनल वाली सब्ज़ी लगेगी। तो अब मैंने पूरी सब्ज़ी को साइड में कर दिया, बीच में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि मैं मसाले डाल सकूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ करीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, नमक जाएगा स्वाद अनुसार जैसा कि सब जानते ही हैं, एंड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून। मतलब मिर्च और नमक तो जो दो चीज़ें ऐसी होती हैं ये बिल्कुल स्वाद अनुसार ही होती हैं। तो मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसी तरीके से इसको थोड़ी देर ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं वो सभी सब्जियों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और हमारी जो सब्ज़ी है ऑलमोस्ट डन है। इस पॉइंट पे भी आप इस सब्ज़ी को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलिशियस लगती है। हल्का सा अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, हल्के से यू नो टैंगी फ्लेवर के लिए, मगर आज मैं बना रही हूँ इसको टमाटर के साथ। तो जनरली दोस्तों मैं प्रेफर यही करती हूँ मेरी जो सब्ज़ी है पूरी तरीके से पक जाए, जब मैं उसको कढ़ाई में बना रही होती हूँ, जब कढ़ाई में बना रही होती हूँ तो सब्ज़ी पूरी तरीके से पक जाए और फिर लास्ट में मैं उसमें टमाटर डालूँ, क्योंकि खटाई पड़ने के बाद फिर ना सब्ज़ी गलने में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटर हैं जिनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था एंड मैं उसको डाल दे रही हूँ इस तरीके से बीच में। आपके यहाँ जैसे अगर माइंड नहीं करते, मेरे यहाँ थोड़ा
टमाटर वमाटर का अगर बड़ा पीस आ जाए तो बहुत जल्दी माइंड करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, उनको टमाटर के छिलके या पीस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जैसे इसी तरीके से छुपा करके डालना पड़ता है, तो बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाला है। आप चाहें तो पीसेस भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं, गल जाते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर देंगे एंड इसको ढक देते हैं। और क्योंकि सब्ज़ी में ऑलरेडी नमक है तो ये टमाटर को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट ही लगेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ जब टमाटर गल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरीके से गल चुके हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा कि हमने टमाटर डाला है। और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया वगैरह सब डाल सकते हैं। लास्ट में मैं बस हल्का सा इसमें गरम मसाला डालना पसंद करती हूँ। एंड ये हमारी शिमला मिर्च, प्याज और आलू की सब्ज़ी तैयार है। इसको आप पराठे के साथ लीजिए या रोटी के साथ, ये सबके साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। एंजॉय।